देखिए दोस्तों, 2023-24 का जो यूडाइस हमें भरना है स्टूडेंट मॉड्यूल, तो उसमें एक समस्या आ रही है कि कक्षा एक को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में अगर आपको किसी बच्चे को ऐड करना है तो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे, तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाने के बाद आपको इम्पोर्ट मॉड्यूल पर आना है। इम्पोर्ट मॉड्यूल पर आने के बाद आप जब गो पे क्लिक करेंगे तो आपको पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी उस बच्चे को किसी भी क्लास में ऐड करने के लिए। और ये पैन नंबर केवल उन्हीं बच्चों को दिया गया है जो पहले किसी स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ से उन्हें प्रमोट करके विद टीसी या विदाउट टीसी उन्हें आगे भेज दिया गया है। तो जब आप पैन नंबर इनका फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको गेट पैन पर क्लिक करना है। गेट पैन पर क्लिक करने के बाद बच्चे का जो आधार नंबर है वो आपको डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक बच्चे का आधार नंबर डाल के दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आगे की क्रिया पूरी करनी है। तो मैं बच्चे का आधार नंबर डालता हूँ। उसके बर्थ का ईयर डालना है जिस ईयर में वो पैदा हुआ है, तो उसके बर्थ का ईयर मैं डाल देता हूँ यहाँ 2011। उसके बाद जैसे ही आप सर्च पे जाएंगे तो आपको स्टूडेंट का पैन जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप स्टूडेंट के पैन को कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद वापस स्टूडेंट पैन में इसको फिल कर देंगे। जब आप स्टूडेंट पैन में इसको फिल करेंगे तो यहाँ ये डेट ऑफ बर्थ इसकी आपको भरनी है, तो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 02/01/2011। ये डालने के बाद जैसे ही आप गो करेंगे तो बच्चा जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। किस स्कूल ने उसे ये पैन नंबर दिया है वो भी इसमें डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स होंगी, आपको कुछ नहीं करना। ऊपर की जो डिटेल्स हैं वो पहले से ही इसकी भरी हुई हैं, केवल आपको इंपोर्ट करना है किस क्लास में आपको उसको भेजना है। जैसे यहाँ 6 क्लास में मुझे इसको ऐड करना है तो मैंने 6 क्लास का ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि 7th और 8th या ऊपर की जो क्लासेज हैं उसमें हम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने खोली 6 का रखा है। तो सेक्शन जो है वो ए आएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ एडमिशन जो आपके पास अवेलेबल होगी आप उसको फिल करेंगे। जैसे यहाँ इसकी डेट ऑफ एडमिशन मैं फिल कर रहा हूँ, और उसके बाद इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद कंफर्म, और ऑटोमेटिक ये बच्चा जो है आपका वो सक्सेसफुली आपका इंपोर्ट हो जाएगा उस क्लास के अंदर। अब आप इसे देखना भी चाहें तो आप स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड में जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखें 6 में अभी 00 दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे ही व्यू एंड मैनेज पे जाते हैं तो व्यू एंड मैनेज करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बच्चा, आपको ये मैंने ऐड कर रखे हैं इसमें, तो आपको लास्ट जो मैंने ऐड किया है वो ये बच्चा जो है वो सबसे ऊपर शो होगा। इसमें अल्फ़ाबेटिकली है, तो इस बच्चे का जो नाम था मैं अगर उससे देखता हूँ तो बी से है इसका नाम, तो ये दूसरा नाम बच्चा है, तो ये आपका यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।